हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके इमोशंस क्या है, थॉट्स क्या है, क्या वो करेंटली आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, किस माइंड सेट में है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप फोकस अपनी पर्सन पर बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेयर जरूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो आप, क्या है उनकी एनर्जी, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, क्या वो आपको सोच रहे हैं करेंटली, क्या है उनकी एनर्जी है? ओके, मुझे किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, जहाँ पर इनके एनर्जी, इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, ये चांसेस है, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, इनका जो बिहेवियर है आपको हर्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये साइलेंट है, बात नहीं करते, खुद से नहीं करते, काफ़ी रूड है, काफ़ी क्रूअल एनर्जी में है आपके प्रति। ठीक है, और जब भी बात करते हैं इनका बिहेवियर काफ़ी क्रूअल होता है, काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, टॉर्चर से कम नहीं होता है। एक ऐसा एनर्जी देख पा रही हूँ मैं कि इनका वर्ड्स आपको हर्ट करता है, या इनका साइलेंट एनर्जी, एक तो साइलेंट होते हैं और बात करते हैं तो इनका बिहेवियर कुछ खास सही नहीं होता आपके अंदर। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर साइलेंट है आपके पर्सन, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं कि ये आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर हाँ ये व्यक्ति आपको सोच रहे हैं, काफ़ी लॉजिक लगाते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते में, काफ़ी लॉजिक लगाया जा रहा है। वैसे ये व्यक्ति आपको परफेक्ट मैच मानते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ छुपा रखा है आपसे, या छुपा रहे हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या छुपाया जा रहा है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स से, इनके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं करेंटली। ओके, इन्होंने क्यों स्टॉप किया है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्यों इन्होंने स्टॉप किया, इन पर बर्डन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति पर बर्डन है, मुझे बोझ दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन पर, ये कहीं ना कहीं काफी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी में है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ लोग ले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग ले ये काफी लॉजिक लगा रहे हैं मुझे, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है, या तो कैरियर कुछ लोग ले, पर थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ये रीजन हो सकता है आपके पर्सन जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, खुद को स्टॉप किया हुआ है, तो ये रीजन मुझे दिखाई दे रहा है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको देखते हैं, आपको वॉच करते हैं, पर चांसेस है आपसे बात नहीं कर रहे हैं पहले की तरह। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या है, क्या है इनके पार्टनर की रियल ट्रू फीलिंग्स। ओके, इनमें इमोशंस है आपके लिए, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, डेडिकेटेड हो आप बिल्कुल, ये जानते हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया है इनके लिए, कितने एफर्ट्स किया है, आप बिल्कुल ट्रूली डीपली लव करते हो, काफ़ी इन्वॉल्व हो इनमें, आप इनका वेट करते हो, इंतज़ार करते हो, इनके यादों में रहते हो, इनको ये भी पता है कि आपके जितना प्यार, आपके जितना एफर्ट्स इनके लिए कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपने किया है वो किसी ने कभी नहीं किया है, जो आपने प्यार दिया है, केयर किया है, प्यार पर इनका किया है, अब तक किसी ने नहीं किया है, तो ये भी एक रीज़न है
आपको जो हॉट एंड कोल्ड बिहेव दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, ये भी रीज़न है कि आपने ना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही इनको सिर में चढ़ा रखा है, कभी किया था। ये जैसे भी है राइट है, कभी आपकी गलती भी नहीं होती थी फिर भी आपने माना है, एक्सेप्ट किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कभी कहीं पर गलत हो नहीं सकते। वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एफर्ट्स ये हमेशा आपकी तरफ से ज़्यादा देखना चाहते हैं। ये चाहे कुछ करे ना करे पर आप करनी चाहिए, आपके साइड से होनी चाहिए एफर्ट्स, ठीक है। क्या हो सकता है इनके एक्शन आपके लिए, यूनिवर्स बताया मुझे, इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं अगले कुछ घंटों में, क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच फाइट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, किसी बात को लेकर, रिश्ते को लेकर आप दोनों के बीच फाइट हो रही है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा एनर्जी मिल रहा है आपकी पर्सन आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए फाइट कर रहे हैं और आपको लेने आ रहे हैं, या तो आप इनके पास जा रहे हो, आप दोनों साथ में आ रहे हो, आप दोनों का बेबी भी हो सकता है, तो फाइट को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, या आप इनकी ओर बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा इनके साइड से, ठीक है। आप इनके पास जाओगे या तो ये आपके पास आ रहे हैं, पर दोनों साथ में आ रहे हो, दोनों कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, ये भी चांसेस है, ठीक है। अगर फैमिलीज में काफ़ी झगड़ा हो रहा है, यहाँ पर फाइट हो रही है, तो आपके पर्सन आपको कहीं लेकर शिफ्ट हो सकते हैं, आप दोनों कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों से, थर्ड पार्टी से, किसी से फाइट करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। और वहीं कुछ लोग लिए आपके पर्सन और आपके बीच मुझे फाइट दिखाई दिया है। खुद को कूल एंड काम रखिएगा, जो आपको चाहिए राइट वे में कहिएगा, इनसे अपनी बात रखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, इनके रिश्ते को लेकर क्या है आपका मैसेज, आपका क्या मैसेज है इनके रिश्ते को लेकर, इनके पार्टनर को लेकर। ओके, जो आप चाहते हो ना, या जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी विश है, जो आपके डिज़ायर्स या इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, ठीक है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपने चाहा है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, सबसे पहले आप देखिए, फोकस कीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप एक राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो, ये व्यक्ति आपके लिए राइट है बिल्कुल, तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे ये। आप दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल मोमेंट्स आने जा रहे हैं, सेलिब्रेशन आने जा रहा है, कुछ मैजिक होगा, आप मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो बिल्कुल टूट गया है, रुका हुआ है, फिर से साथ में आ रहे हो, वापस से हैप्पीनेस आ रही है आप दोनों के बीच, सुकून आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, साथ में आ रहे हो, लवी डवी वाली एनर्जी है यहाँ पर, तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैजिकल मोमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। यस, दोनों साथ में आ रहे हो, बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनके साथ, आपके बच्चे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स था बच्चों में हो सकता है, या कहीं पर वो सॉल्व हो रही है, आप दोनों के बीच फायर था तो ख़त्म हो रही है, ठीक है। फायर मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन आपके लिए राइट है, बिल्कुल हैप्पी फैमिली होगी यहाँ पर, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो चांसेस है कि फैमिली में आपके लिए रिश्ता आए और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, 10 मंथ्स के अंदर, आने वाला जो 4 मंथ्स है, 10 मंथ्स है उसके अंदर,
आपके शादी होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर आपको जस्टिस ज़रूर मिल रही है यहाँ पर। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर लिब्रा है, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस है, जेमिनाई वर्गो है, स्पेशली एरीज लियो सजिटेरियस है, स्पेशली है यहाँ पर कैंसर लिब्रा जेमिनाई वर्गो। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।